सो वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के फिफ्थ चैप्टर डेट इज कैप्सूल के थर्ड पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने डेफिनेशन ऑफ कैप्सूल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल, क्लासिफिकेशन ऑफ कैप्सूल, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट जिलेटिन एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को एग्जाम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर वीडियो के जो PDF नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर ऑल्सो नोन एज सोल्युबल इलास्टिक्स और सॉफ्ट इलास्टिक कैप्सूल्स। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पीस ओनली। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर डेवलप इन 19th century टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ ड्रग। सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को हम सोल्यूबल इलास्टिक कैप्सूल्स या फिर सॉफ्ट इलास्टिक कैप्सूल्स भी इसे हम बोलते हैं। जैसे कि हमने कैप्सूल के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है ये एक सिंगल यूनिट होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी पार्ट्स या पीस नहीं होते हैं। जैसा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर हमें दो पार्ट देखने मिलते हैं, एक होता है कैप एंड एक दूसरा होता है बॉडी, लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर ऐसे कोई भी पार्ट नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक सिंगल यूनिट होता है। सॉफ्ट जिलेटिन का जो डेवलपमेंट है इसे 19th century में किया गया था। अब इसे किया क्यों गया था? ताकि ऐसे ड्रग जिनका स्मेल बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, जिनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, वैसे ड्रग को हम कैप्सूल के अंदर अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर सके। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से प्राइमरी इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में। सबसे पहले प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है प्लास्टिसाइजर्स। सो प्लास्टिसाइजर्स आर यूज इन द रेंज ऑफ 20-30% टू मेक द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मोर इलास्टिक। द मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर्स आर ग्लिसरीन, बट सॉर्बिटोल एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल 400 आर ऑल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद ग्लिसरीन। सो ये जो प्लास्टिसाइजर्स होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में। इसे हम तकरीबन 20-30% के अमाउंट में यूज करते हैं। अब इसे हम यूज क्यों करते हैं? इसे हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो इलास्टिसिटी है उसे हम मेंटेन कर सके और उसे और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। सो ये जो ग्लिसरीन होता है ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्लास्टिसाइजर होता है इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब ग्लिसरीन के साथ साथ हम सॉर्बिटोल या फिर पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल 400 को भी यूज कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है वाटर। वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इट इज़ यूजुअली अकाउंट्स फॉर 30-40% ऑफ फॉर्मुलेशन। सो ये जो वाटर होता है ये भी एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। इसे हम तकरीबन 30-40% के अमाउंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है कलरेंट। सो कलरेंट कैन बी आइदर नेचुरल और सिंथेटिक कलर एंड दे आर यूज फॉर प्रोडक्ट एलिगेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर जो कलरेंट हम यूज़ करते हैं वो कलरेंट या तो नेचुरल कलर्स होते हैं या फिर सिंथेटिक कलर्स होते हैं। अब हम कलरेंट का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है वो और अच्छा दिख सके, उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाए और हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प होता है इसके वजह से। यानी कि अगर मेरे पास 4-5 कैप्सूल्स पड़े हैं, अगर वो 4-5 कैप्सूल्स कलर वाले कैप्सूल्स हैं तो मैं उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये कैप्सूल कौन से काम में आ सकते हैं। जैसे अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जो रेड कैप्सूल है वो किस काम में आ सकता है, वाइट कैप्सूल कौन से काम में आ सकता है एंड येल्लो कैप्सूल कौन से काम में आ सकता है। नेक्स्ट प्राइमरी इन्ग्रीडियंट होता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव आर इनकॉर्पोरेटेड टू प्रिजर्व द ड्रग मेडिकामेंट फ्रॉम माइक्रोब्स। मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव आर मिथाइल पैराबिन एंड प्रोपाइल पैराबिन। सो ये जो प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? सो प्रिजर्वेटिव एक ऐसा केमिकल होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है, वो क्या करता है किसी भी ड्रग के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके ग्रोथ को ये रोक के रखता है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी ड्रग है, वो ड्रग के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ गए तो ये क्या करेगा प्रिजर्वेटिव, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है उसे होने ही नहीं देगा। तो इसकी वजह से होता क्या है, जो मेरे ड्रग का जो शेल्फ लाइफ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो मेरा ड्रग है वो लंबे समय तक एकदम ठीक ठाक रहेगा, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो मोस्ट कॉमनली प्रिजर्वेटिव जो यूज़ करते हैं हम वो होता है मिथाइल पैराबिन एंड प्रोपाइल पैराबिन। ये दोनों इन्ग्रीडियंट यूज़ होते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल।
नेक्स्ट प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट आर यूज टू मास्क द टेस्ट फॉर्मुलेशन। इथाइल वेनिलिन एंड एसेंशियल ऑयल आर कॉमनली यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट। सो फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे फॉर्मुलेशन में जो ड्रग्स होते हैं उनके अनप्लीजेंट टेस्ट को यानी कि ख़राब टेस्ट को हम उसे छुपा सके, उसे हम बाहर निकलने ना दें। सो मोस्ट कॉमनली यूज फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं इथाइल वेनिलिन एंड एसेंशियल ऑयल। नेक्स्ट प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है स्वीटनिंग एजेंट। सो मोस्ट कॉमनली स्वीटनिंग एजेंट आर सुक्रोज। सो ये जो सुक्रोज होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है एज अ स्वीटनिंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सो होप आपको ये समझ गया होगा कि कौन कौन से प्राइमरी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में, यानी कि एक आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनका हम यूज करते हैं फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट हम मैनुफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को देख लेते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर जनरली फील्ड और मैनुफैक्चर्ड बाय यूजिंग रोटरी मशीन। सो ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है इसे हम जनरली रोटरी मशीन के द्वारा इसे हम बनाते हैं। इसका हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लेते हैं। सो रोटरी मशीन कंसिस्ट ऑफ टू हॉपर, दैट इज हॉपर नंबर वन एंड हॉपर नंबर टू। इन हॉपर नंबर वन द लिक्विड जिलेटिन अलॉन्ग विद एडिटिव्स आर प्रेजेंट एंड इन हॉपर नंबर टू लिक्विड मेडिकामेंट विच इज टू बी फील्ड इन टू कैप्सूल आर प्रेजेंट। सो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कुछ ऐसा हमारा रोटरी मशीन दिखता है। इसके अंदर दो हॉपर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हॉपर नंबर वन एंड दूसरा होता है हॉपर नंबर टू। ये जो हॉपर नंबर वन होता है इसके अंदर लिक्विड जिलेटिन प्रेजेंट होता है और लिक्विड जिलेटिन के साथ अलग अलग एडिटिव्स वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हॉपर नंबर टू होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ड्रग जिनको हमें कैप्सूल के अंदर भरना है। There are two rotating dies which rotate in opposite direction. जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा होगा यहाँ पे दो rotating dies होते हैं। ये जो आपको dies दिख रहे हैं इन्हें हम rotating dies बोलते हैं। ये dies क्या होते हैं, ये opposite direction में rotate होते रहते हैं। सो ये तो था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटरी मशीन। नेक्स्ट हम वर्किंग देख लेते हैं रोटरी मशीन का। व्हेन द लिक्विड जिलेटिन एंटर्स इनटू द मशीन फ्रॉम हॉपर इट फॉर्म्स टू रिबन्स इन द मशीन एंड दिस टू रिबन आर प्रेजेंट जस्ट अबव द रोटेटिंग डाइस। अब इसके अंदर होता क्या है, जो हमारा हॉपर नंबर वन है ये हॉपर नंबर वन जिसके अंदर लिक्विड जिलेटिन प्रेजेंट है ये लिक्विड जिलेटिन यहाँ से बाहर निकलते हैं और मशीन के अंदर एंटर करना चालू कर देते हैं। अब जैसे ही हमारा लिक्विड जिलेटिन इस हॉपर नंबर वन से मशीन के अंदर जाना चालू होगा वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, हमें दो रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए दिखेंगे। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है कि जैसे ही हमारे हॉपर नंबर वन से लिक्विड जिलेटिन बाहर निकल रहा है वैसे ही यहाँ पर दो रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जा रहा है और ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है जस्ट रोटेटिंग डाई के ऊपर प्रेजेंट है। द लिक्विड जिलेटिन फ्रॉम दिस टू रिबन एंटर इनटू द कैविटी ऑफ डाइस एंड इट फॉर्म्स सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल एंड साइमल्टेनियसली द लिक्विड मेडिकामेंट फ्रॉम हॉपर नंबर टू इज ऑल्सो फील्ड इनटू द कैप्सूल शेल एंड व्हेन द रोटेटिंग डाई रोटेट्स द कैप्सूल आर फॉर्म। तो यहाँ पे होता क्या है, अब हमारा जो रोटेटिंग डाइज है ये रोटेटिंग डाइज के अंदर जो कैविटीज़ आपको दिख रहा होगा ये कैविटीज़ के अंदर इन रिबन के अंदर से क्या होते हैं जिलेटिन निकलना चालू हो जाते हैं। अब ये जिलेटिन जैसे ही रिबन के अंदर से निकलते हैं रोटेटिंग डाई के अंदर जो भी यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है ये कैविटी के अंदर ये चले जाते हैं। अब कैविटी के अंदर जाने के बाद होते क्या है, ये रोटेटिंग डाई ना रोटेट होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये जैसे ही रोटेट होंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो कैप्सूल है वो फॉर्म होते हुए दिखता है हमें। अब जैसे ये रोटेटिंग डाई यहाँ पे रोटेट होता है और जिलेटिन यहाँ पे अंदर जाता है उसी टाइम पे क्या होता है, हमारे हॉपर नंबर टू में से ड्रग भी बाहर निकलते हैं। सो साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस होता है, साइमल्टेनियसली जिलेटिन भी बाहर निकलता है और तुरंत ड्रग भी बाहर निकलता है। और ड्रग और जिलेटिन बाहर निकलने के बाद क्या होता है, रोटेटिंग डाई रोटेट होता है और हमें नीचे कैप्सूल फॉर्म होते हुए दिखता है। रोटेटिंग मशीन आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 25,000 एंड 30,000 कैप्सूल इन वन आवर। ये जो रोटेटिंग मशीन होता है इसकी कैपेसिटी होती है कि ये एक घंटे के अंदर तकरीबन 25,000 से 30,000 कैप्सूल को ये बना सकता है। आपको ये एनिमेशन में दिख रहा होगा कि हमारा ये जो रोटेटिंग मशीन है ये किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हम शेप एंड साइज ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को देख लेते हैं। सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स सच एज राउंड, ओवल, ऑब्लॉन्ग, ट्यूब, मिस्क शेप। द कंटेंट ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल वेरीज फ्रॉम 0.1 ml to 30 ml। सो ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है ये बहुत सारे शेप्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि राउंड शेप, ओवल शेप, ऑब्लॉन्ग शेप,
ट्यूब शेप, मिस्क शेप, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में ये अवेलेबल होता है। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, इन सब के शेप में ये क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हमें अवेलेबल हुआ दिखता है हमारे इंडियन मार्केट में। अब ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कि इसके अंदर हम तकरीबन 0.1 ml से लेके 30 ml तक ड्रग को इसके अंदर हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टोरेज ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को देख लेते हैं। सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर स्टोर इन ब्लिस्टर पैकेज, दे आर स्टोर एट टेम्परेचर ऑफ 15 to 30 degrees Celsius विद अ ह्यूमिडिटी ऑफ 50%। ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, इसे हम ज़्यादा करके एक ब्लिस्टर पैकेज में स्टोर करके रखते हैं। तकरीबन 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में हमें इस कैप्सूल को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो होप आपको ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, इसका लेक्चर अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें अपना डाउट आप ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।